गुड इवनिंग एवरीवन, जयदेवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो देख लेते हैं, महत्वपूर्ण जानकारी है आज के ही दिन। तो आज चंडीगढ़ की हरनाज क्या है, हरनाज कौर संधू मिस यूनिवर्स बनी है। कौन है? तो चंडीगढ़ की मिस यूनिवर्स बनी है हरनाज कौर संधु, जो 70वीं कौन से नंबर की हैं, तो 70वीं नंबर की मिस यूनिवर्स बनी है 2021 की। तो मिस यूनिवर्स कौन है? तो हरनाज कौर सिंह संधु हैं, जो चंडीगढ़ की रहने वाली हो जाती हैं। तो देख लेते हैं, 70वां मिस यूनिवर्स पेटेंट में चंडीगढ़ की हरनाज कौर ने मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब जीतकर भारत की शान बढ़ाई है। 21 साल के लंबे समय के बाद भारत को ये खिताब हासिल हुआ है। हरनाज कौर के स्टाइल, फैशन सेंस, इंटेलिजेंस, हर चीज़ ने जजों का ध्यान खींचा, जो इस प्रतियोगिता में बहुत ही अहमियत रखता है। संधू की ताजपोशी किसने की है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो संधू की ताजपोशी इस कार्यक्रम में मैक्सिको, ठीक है, कहाँ की है? तो ये है मैक्सिको। मैक्सिको की पूर्व मिस यूनिवर्स कौन थी? तो मैक्सिको की पूर्व मिस यूनिवर्स थी एंड्रिया मेज ने की है। उनसे पहले 2000 में कौन थी? तो मिस लारा दत्ता, ठीक है। इनसे पहले 2000 में मिस लारा दत्ता मिस यूनिवर्स का खिताब जीतकर इतिहास रचा था। यह खिताब जीतने वाली वे दूसरी भारतीय सुंदरी बनी है। तो कौन बनी है? तो बनी है हरनाज कौर संधू। हरनाज कौर भारत की दूसरी महिला मिस यूनिवर्स बनी है। भारत की ये पहली मिस यूनिवर्स कौन थी? तो पहली मिस यूनिवर्स थी कौन थी? तो 1994 में सुष्मिता सेन भारत की पहली मिस यूनिवर्स बनी थी। कौन बनी थी? तो भारत की पहली 1994 में सुष्मिता सेन मिस यूनिवर्स बनी थी। और इस बार की जो हरनाज कौर संधू हैं मिस यूनिवर्स बनी है, इनका ताजपोशी किसने किया है? तो इनकी ताजपोशी की है 2020 की विनर रही एंड्रिया मेज, जो कहाँ की रहने वाली हैं? मैक्सिको की रहने वाली हैं। इन्होंने ताजपोशी की हुई है किसकी? तो मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन।